हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज जो एक्सरसाइज है वो है 1.3, इट मींस 1.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर अभी वन ही है, नोइंग आवर नंबर्स। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा रिविजन, nearest tens, nearest hundred and nearest thousands का। क्लास फाइव में ये मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर बताया हुआ है, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर, क्लास फाइव की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने इस टॉपिक को देख सकते हैं। आई थिंक टॉपिक टू या टॉपिक थ्री में मैंने इसे कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो अपने डाउट्स आप वहां से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, वहां बहुत डिटेल में बताया है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। चलिए, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस का मतलब होता है टेन को हम कैसे लिखते हैं। टेन में कितने जीरो हैं? वन जीरो, यानी वन्स प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे। अगर ये वाली डिजिट फाइव या ग्रेटर देन, या तो इक्वल टू फाइव हो या फिर ग्रेटर देन फाइव हो, तो क्या करते हैं? तब हम इसके बगल वाली डिजिट को एक डिजिट आगे बढ़ा देते हैं और इसको जीरो कर देते हैं। यानी 237 का क्या बन जाएगा? 140 बन जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट टेंस में। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये लेसर देन 5 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल वंस वाली प्लेस को जीरो करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट टेंस बोला है। नियरेस्ट टेंस में जीरो कितने होते हैं? वन। तो एक ही डिजिट को हमें जीरो करना है, वंस वाली प्लेस को है, और वंस वाली प्लेस को ही देखकर ये बताना है कि अगली वाली डिजिट एक नंबर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कैसे? अगर फाइव है या फाइव से ज्यादा है तो उसके बाजू वाली जो डिजिट है वो एक डिजिट बढ़ जाएगी और लास्ट वाला डिजिट। नेक्स्ट देखिए, नियरेस्ट हंड्रेड, हंड्रेड को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। जीरो कितने होते हैं? तो यहाँ भी काउंट कीजिए, वन। यानी आप इस वाली डिजिट को देखिए, क्या इस वाली डिजिट को देखकर हम इस वाली डिजिट को या तो सेम रहने देंगे या बड़ा कर देंगे। देखिए ये सिक्स है, इट मींस फाइव से बड़ी है। क्या करेंगे? इसके बगल वाली जो डिजिट है वो सिक्स बन जाएगी और इन दोनों का जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हंड्रेड में टू जीरो आते हैं। ठीक है, तो जिस डिजिट जितने नियरेस्ट पूछे हो उतनी तो कम से कम आपको जीरो लगानी ही है। नेक्स्ट देखिए, 835, उसके लिए भी हम कहां टेंस प्लेस वाला डिजिट देखेंगे। यहाँ पर हंड्रेड में जीरो कितने हैं? वन। हम यहाँ देखेंगे वन, ये हमारा फाइव से छोटा है तो हम एट को एज इट इज देंगे और इन दोनों को जीरो कर देंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। Nearest thousand, thousand हम कैसे लिखते हैं? थ्री जीरोस, थ्री जीरोस के लिए इसकी थर्ड प्लेस देखेंगे, यानी ये वाली प्लेस पर क्या है? सिक्स है, तो हम फाइव का सिक्स बना देंगे और बाकी थ्री डिजिट जीरो बना देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ थ्री है, लेस देन फाइव है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिक्स को एज इट इज करना है और इनको जीरो बना देंगे। हमारे नियरेस्ट थाउजेंड में। इसी तरीके से 10,000, लाख, 10 भी आपको क्या है तो पीछे पैटर्न को जीरो काउंट करेंगे और जीरो काउंट करने के बाद उस प्लेस पर जाएंगे, वहां देखेंगे क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या डिजिट लिखी हुई है और उसके अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक जनरल रूल हमें लेना है। कुछ भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि हमारा आंसर इजी कैसे आ जाए ताकि हमें ज्यादा कैलकुलेट ना करना। क्या करेंगे? यहाँ पर राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 में चेंज, 100 के लिए वाली प्लेस को देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 में टू जीरो होते हैं, सेकंड प्लेस पर आ जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 100। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 1000। देखिए 730 चेंज, चेंजेस 700 और 998 चेंज 1000। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, प्लस करके क्या आंसर आएगा? 1000
तरीके से यहां लिख लेंगे राउंड ऑफ बेस्ट, वो भी 100 में चेंज कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार 100 में ही क्यों चेंज कर रहे हैं। बच्चे बार बार हम 100 में इसलिए केवल चेंज कर रहे हैं ताकि हमारी जो डिजिट है वो पूरी की पूरी जीरो में आ जाए और हमें एक सिंपल नंबर मिल जाए जिससे हमें कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, है ना। हमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन ना करे, केवल इसीलिए हमें नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 10 में भी, लेकिन वहां पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करते उसे नियरेस्ट कर लेते हैं, यहाँ चेंज की 796, तो ये यहाँ पर 9 है ना, ये क्या बन जाएगा, ये 100 में चेंज, माइनस 10th प्लेस पर क्या है यहाँ पर 1, तो ये 300 में चेंज, माइनस कर क्या आंसर आएगा, आइए फटाफट 8 में से माइनस करें क्या आंसर आएगा, 5। क्या आ गया आपका, क्या आ रहा है जल्दी से बताइए मुझे, आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे आने, मेरे क्वेश्चन करने से पहले, मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों का आंसर, यहाँ पर भी वही जनरल रूल, हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल लगा सकते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और 10,000 तक लगा सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर लगाएंगे राउंड ऑफ 1000, यहाँ पर 4, नियरेस्ट 1000, 1000 में 3 जीरोस होती है, थर्ड प्लेस पर आ जाएंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा 13, ओके 0 प्लस यहाँ पर भी 8 है भी बन जाएगा और ये 0 प्लस कर दीजिए 16, यही आया आप लोगों का आंसर ना। अब यहाँ देखिए इसको भी सेम उसी पैटर्न से चेंज, तो हम एक डिजिट और बढ़ा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 डिजिट, तो 10,000 में कितने जीरो है 4, तो 4 काउंट कीजिए 1, 2, 4 इस वाले डिजिट, 1, 2, 4 इस वाले, ये बन जाएगा हमारा 3 और बाकी के सब 0 और ये हमारा 2 बन जाएगा क्योंकि 1 है वो लेस देन 5 है, 1, 2, 4 ठीक है। आप माइनस कर दीजिए क्या बचेगा, और आ गया क्या बच गया 10,000 बच गया, ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर एकदम क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को भी। चलें फिर आगे, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू टेंस, यानी नियरेस्ट 100 में भी निकालना है आपको आंसर, नियरेस्ट टेंस में भी निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको नियरेस्ट 100 में निकालते हैं, नियरेस्ट 100 के लिए ये वाले डिजिट को देखेंगे 40 प्लस फिर इस वाले डिजिट प्लस वाले डिजिट 430, आप इन सबको प्लस कर लीजिए, आप इसको अगर है तो आप इसको लिख सकते हो 430 400 कर दीजिए इसको 0 0 4 3 7 7 + 3 10 और वो कैरी लगेगा यहाँ क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। अब क्या बोला है नीचे उसने राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, तो इसको नियरेस्ट टेंस में भी चेंज कर, ये था नियरेस्ट 100, अब करेंगे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में 10 होता है ना 10 में, तो 9 को देखेंगे क्या कर देंगे 440, प्लस फिर से 1s वाली प्लेस को ही चेक करेंगे नियरेस्ट 10s निकाल 330 एंड यहां पर भी 1s वाली प्लेस को चेक करेंगे 4320, अब इन सबको लिख लीजिए लाइन से
6, 7, 8, 9 और यहाँ क्या हो गया 7 और 10 और 1 11 और 1 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो रफ एस्टिमेट पूछा था और रफ एस्टिमेट हमने बता दिया। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे निकल कर आ गए 5000 और 5190। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी नियरेस्ट 100 में चेंज करेंगे। तो पहले इसको देखेंगे 1, 8, 7 माइनस नियरेस्ट 100 में देखेंगे, जीरो कीजिए तो भी जीरो कीजिए और ये 6 बन जाएगा, 10, 7 और 4। बैक साइड से क्यों लिखा मैंने, बैक साइड से लिखना मैंने इसलिए स्टार्ट किया से मुझे डिजिट्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो, वंस वाली डिजिट वंस के, टेंस वाली डिजिट टेंस के, और 100 और 1000 वाली डिजिट्स अपनी अपनी प्लेस पर आनी चाहिए। ठीक है, वंस से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। 7 में से 7 माइनस किया तो 1, 8 में से 7 माइनस किया तो 1, अब यहां हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस किया तो 6, इसका आंसर आ गया। ये था नियरेस्ट रेट, अब करना है हमें नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में क्या करना है, नियरेस्ट 10 में वंस वाली प्लेस देखनी है। तो 1, 0, 8, 7, 3 एंड 0 क्यों नहीं चेंज हुआ 3, क्योंकि 4 जो था वो 5 से छोटा था। नेक्स्ट 4, 7, 5, 9, 9 यहाँ पर 9 है तो इस ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ 0 लिखेंगे और कर देंगे बाकी की डिजिट एज इट इज 4, 7, 0। बताइए इसको चेंज करने का मेथड समझ में आ गया कैसे किया भाई, अगर ये 9 था तो 9 को हमने 0 किया और इसके बाजू वाली प्लेस पर जो डिजिट थी उसको एक डिजिट बढ़ाया तो 9 का क्या बन गया 10, लेकिन 10 पूरा नहीं लिख सकते तो 10 का हम यहाँ 0 लिखेंगे और 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। तो 5 में अगर 1 कैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में अगर 1 कैरी करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा। अब माइनस कर दीजिए 0, 3, 1, 1, 6 क्या डिफरेंस आया, केवल 30 का डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनको भी सेम सेम करना है, पहले नियरेस्ट 100 से फिर नियरेस्ट 10 से, तो थोड़ा जल्दी कर नियरेस्ट 100 और इसको माइनस कर दिया, यहां से लिया 13 हो गया। अब 35 माइनस कीजिए फटाफट, बताइए 8 और ये हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट रेट। अब करेंगे नेक्स्ट 10, लिखते हैं जल्दी से 8, 3, 3, 2 माइनस 4, 9, 0 कीजिए, यहाँ से बोरो किया 2 क्या ये 3 में से 9 माइनस किया तो 4 आएगा, 7 और ये 12 यहाँ पर 8 आएगा और ये 7 आएगा आ गया। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से करेंगे होमवर्क में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। एक दो क्वेश्चंस आप भी कीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अगर सारे क्वेश्चंस आप देख देख कर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप चीटिंग करके करेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। चलिए, क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को, अगर पसंद आ रही है तो फटाफट से जाइए और लाइक करके आइए। सबसे पहले जाइए नीचे वीडियो को पॉज कीजिए और लाइक करके आइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि क्लास 6 का होल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी आपको CERT बेस्ड। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा लोगो है, YouTube पर फ्री क्लासेस के लिए आप यहाँ सर्च कर सकते हो श्वेता क्लासेस डालकर,
लोगों को देखकर आप मेरे और हाँ आप हमें आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। आप वही जनरल रूल यहाँ लगाना है लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन करना है, अपने इसको इजी बनाएंगे, बिल्कुल इजी बनाएंगे, ठीक है, चेंज कर लेंगे। 500 हो जाएगा ये, मैं क्या किया इसमें नियरेस्ट 100 में चेंज कर लिया, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा 6 / 100 तो भी नियरेस्ट 100 में, डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए 12 और सारी की सारी तो उसको आंसर आ गया हमारा इजीली आंसर, बिल्कुल है ना, आ गया ना कि डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए और जितनी भी जीरो है वो लास्ट में ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, तो क्या करेंगे इसको हम 1000 में चेंज करते हैं कि हमें मल्टीप्लीकेशन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 वाली प्लेस को देखेंगे, दोनों की दोनों 5 से छोटी है, कुछ नहीं करना है, केवल सारी डिजिट को जीरो कर देना है, दोनों डिजिट को डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15 और ये पूरी की पूरी लगा दीजिए लास्ट में, ठीक है। आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है 0 0 0 0 0 0 5 0 0, केवल डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए और सारी की सारी जीरो काउंट करके लगाइए। अगर अब भी आप लोगों को डाउट है मल्टीप्लीकेशन में, या आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ देख सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट चेंज करें इसको, क्योंकि ये 3 digits 4 digits है, क्या करते हैं नियरेस्ट 100 में चेंज करते हैं, 100 में करेंगे तो क्या बन जाएगा से, और इसको चेंज करेंगे तो आप डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 = 18 और 6 / 6 बाकी की सारी जीरो को, देखा कितने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। अगर आप नियरेस्ट निकालना सीख जाएंगे, एस्टिमेट करना अगर आप सीख जाएंगे, तो बहुत जल्दी आप लोग इस आंसर को एस्टिमेट। यहाँ पर क्या है 2 digits है तो नियरेस्ट 10 में ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो लिख लेते 9 2 5 वही रहने वाला है ये, तो क्या कर देंगे ये 30 हो जाएगा। अब डिजिट का डिजिट से कीजिए 5 3 = 3 और 3 2 = 6 1 7 और 3 9 = 5 जल्दी से और ये जो तो लग गए वो लगा दीजिए और अपना आंसर निकाल कर दे दीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चले आगे, अब देखिए एक टॉपिक है, एक्सरसाइज को आपकी कंप्लीट हो गई, एक टॉपिक है आप लोगों की बुक में कि एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसीलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कभी इस तरीके से के लिए करने के लिए मिले तब आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा है आप क्या करो, जो बड़ी वाली डिजिट है वो आप एक्सपेंड कर लो। कैसे एक्सपेंड करना है, मान लीजिए 17 × 109 है, या ऊपर वाला देखिए क्या किया है, 7 को 109 से मल्टीप्लाई करना, क्या किया 7 को तो बाहर रहने दिया, 109 को एक्सपेंड कर दिया 100 + 9 में। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे और 7 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसको हम प्लस कीजिए। एक बार 17 को बाहर रखा रहने दीजिए, 109 को क्या करेंगे 100 + क्या करना है 17 into
100 यानी इसका मल्टीप्लीकेशन किया एंड प्लस का मार्क लगाया, ठीक है। अब क्या करना है, 17 इंटू 9, अब मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये तो आ गया हमारा 1700, तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 9 and 6, 16, बस अब इसको प्लस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 3, 5, 8 और ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न ये क्या है, यहाँ पर भी बड़ी डिजिट है और यहाँ भी बड़ी डिजिट, ये थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाएगा। कैसे एक्सपेंड हो जाएगा, 100 प्लस 3, अब एक एक डिजिट का एक एक डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन, पहले इसका इसके साथ करेंगे और इस यानी 8 प्लस 3 आ गया। फिर से प्लस का मार्क लगाइए, प्लस का मार्क लगाइए और अब का मल्टीप्लीकेशन दोनों के 2 into 3 plus 2 into 3, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस एंड सबको अब ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 6, 506 और यहाँ पर लिख लेते हैं लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ ऐसे ऐड कर, टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आंसर आ गया। अगर आपको है तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, अगर यही आंसर मिलेगा तो आपका जो पैटर्न है परफेक्ट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हो गई। कैसे किया था, दोनों को एक्सपेंड कर लिया, पहले फर्स्ट वाली डिजिट दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड वाली डिजिट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आ गए उनको सबको ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए बताइए कैसी लगी है आपको आज की क्लास, आई होप क्लास पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चंस को करने का पैटर्न भी पता चला होगा और क्वेश्चंस अब इजी भी लगने लगे होंगे ना। चलिए कल फिर हम लोग मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग एक साथ करेंगे। बाय बाय।